गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स के अंतर्गत जेंडर। जेंडर मींस होता है लिंग, ठीक है। चलिए आज इसको हम पढ़ते हैं। आप सब बुक ओपन कीजिए, चैप्टर 9 इंग्लिश ग्रामर की, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स जेंडर। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेल और फीमेल, ठीक है। सारी लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं, जो बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ते हैं। जैसे पौधे होते हैं वो छोटे से बड़े होते हैं, बच्चे, हम लोग सब छोटे से जो चीजें बड़े होते हैं, ठीक है, वो चीजें लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, जो सांसें लेते हैं, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स, तो ये जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो मेल और या फीमेल होता है, या तो वो मेल होता है या फीमेल होता है। नेमिंग वर्ड्स फॉर मेल्स आर कॉल्ड नाउन्स, ठीक है। जो मेल्स के लिए, मेल मतलब पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए, जो मेल पर्सन के लिए नेमिंग वर्ड्स यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। जैसे मेन, बॉय, कॉक, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स फॉर फीमेल्स आर कॉल्ड नाउन्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर। और जो स्त्रियों के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे वुमेन, गर्ल, हेन, ये होता है फेमिनाइन जेंडर। आप इसकी तुलना करेंगे, कंपेयर, तब आपको समझ आएगा। मस्कुलाइन किसको बोलते हैं, पुरुषों को, लड़कों को। स्त्रीलिंग को बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर, ठीक। दो जेंडर टू होते हैं, मस्कुलाइन फेमिनाइन। मस्कुलाइन में आता है जैसे मेन, और फेमिनाइन में वोमेन। मस्कुलाइन जेंडर में आता है बॉय, फीमेल में आता है, फेमिनाइन में आता है गर्ल। वैसे कॉक का हेन, ठीक है, ऐसे होते हैं। कॉक मीन्स मुर्गा, हेन मुर्गी, लड़का लड़की, आदमी औरत, ठीक है, ऐसे होता है। जो लिंग हम पढ़ते हैं ना हिंदी में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वही यहाँ पर जेंडर है। जेंडर मतलब लिंग, मस्कुलाइन में पुल्लिंग और फेमिनाइन में मीन्स स्त्रीलिंग, ठीक। चलिए इसको देखिए, ये आपको क्या करना है, एक्सरसाइज है। इधर लिखा हुआ है मेल का और इधर हमें फीमेल करना है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, मैंने नंबरिंग कर दिया है, उसको करना है, ठीक। जैसे फाइंड फ्रॉम द बॉक्स द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, जैसे सर का हुआ मैडम, वैसे फॉक्स, फॉक्स को हम स्त्रीलिंग होगा विक्सन, सन का होगा डॉटर, बॉय गर्ल, बुल काउ, डॉग बिच, लॉयन लॉयनेस, मेन वुमेन, किंग क्वीन, कॉक हेन, टाइगर टाइग्रेस, ठीक है। इसका मैं पिक लेके और भेजूंगी आप लोग के पास, ऐसे इसको लिखना है। 12 देख रहे, हीरो हीरोइन, पापा मम्मा, मम्मा कहाँ है, मम्मा ये है मम्मा, अंकल आंटी, एक्टर एक्ट्रेस, हॉर्स का मेयर, फादर मदर, प्रिंस प्रिंसेस, ब्रदर सिस्टर, नेफ्यू को बोलेंगे नीस, हस्बैंड वाइफ, ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर, जेंटलमैन लेडी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ब्राइडग्रूम का ब्राइड, ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा, ब्राइड मतलब दुल्हन, ठीक है। तो ये आप करेंगे, ठीक है। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है, जैसे सर का मैम, फॉक्स विक्सेन, शन डॉटर, बॉय गर्ल, बुल काउ, डॉग बीच, लॉयन लॉयनेश, मेन वुमेन, किंग क्वीन, कॉक हेन, टाइगर टाइग्रेस, हीरो हीरोइन, पापा मम्मा, एक्टर एक्ट्रेस, अंकल आंटी, हॉर्स मेयर, फादर मदर, प्रिंस प्रिंसेस, ब्रदर सिस्टर, नेफ्यू नीस, हस्बैंड वाइफ, ग्रैंडसन ग्रैंडमदर, जेंटलमैन लेडी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ब्राइडग्रूम ब्राइड, ठीक है। चलिए यहाँ क्या करना है, आगे रीराइट ईच सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन्स। इसपे जो अंडरलाइन किया गया है उसमें हमें जेंडर चेंज कर देना है। जैसे मे आई कम इन सर, सर सर में अंडरलाइन है, सर का स्त्रीलिंग होगा मैडम, तो हम इसको क्या करेंगे, मे आई कम इन मैम, ठीक। सेकेंड, हर फादर इज अ टीचर, हर फादर, फादर में अंडरलाइन है तो ये हो जाएगा मदर, फादर का होगा स्त्रीलिंग मदर, हर मदर इज अ टीचर। द प्रिंस हैज अ हॉर्स, इसमें दो में अंडरलाइन है, प्रिंस में भी हॉर्स में भी, प्रिंस का होगा प्रिंसेस, हॉर्स का होगा मेयर, तो द प्रिंसेस हैज अ मेयर। दैट बॉय इज माई नेफ्यू, बॉय नेफ्यू, बॉय में हम करेंगे गर्ल, बॉय का हो जाएगा गर्ल, नेफ्यू का हो जाएगा नीस, नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा, नीस मतलब भतीजी, तो दैट गर्ल इज माई नीस। द किंग वॉज वेरी एंग्री, किंग, किंग का स्त्रीलिंग, किंग का फेमिनाइन क्या होगा, क्वीन, द क्वीन वॉज वेरी एंग्री। दैट मेन इज अ गुड एक्टर, एक्टर मेन,
मेन का होगा वुमन, एक्टर का एक्ट्रेस, दैट वुमन इज अ ग्रेट इज अ गुड एक्ट्रेस. द ब्राइड ग्रूम इज माई अंकल, ब्राइड ग्रूम अंकल, ब्राइड ग्रूम का हो जाएगा सिर्फ ब्राइड और अंकल का आंटी, द ब्राइड इज माई आंटी. हु इज द हीरो इन दिस फिल्म, हु इज द हीरो का हो जाएगा हीरोइन, हु इज द हीरोइन इन दिस फिल्म. ठीक है, तो ऐसे आपको इसको करना है. देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम, हर फादर इज अ टीचर, हर मदर इज अ टीचर, द प्रिंस हैज अ हॉर्स, द प्रिंसेस हैज अ मेयर, दैट बॉय इज माय नेफ्यू, द गर्ल इज माय, दैट गर्ल इज माय नीस, द किंग वॉज वेरी एंग्री, द क्वीन वॉज वेरी एंग्री, दैट मैन इज अ गुड एक्टर, दैट वुमेन इज अ गुड एक्टर, द ब्राइड ग्रूम इज माई अंकल, द ब्राइड इज माई आंट, हु इज द हीरो इन दिस फिल्म, हु इज द हीरोइन इन दिस फिल्म. ओके, तो ये आपको कंप्लीट करना है. यहाँ पर मैं आपको सेंड करूंगी पिक लेकर के, कंप्लीट करके आगे हम कल पढ़ेंगे नाउन, पढ़ेंगे प्रॉपर एंड कॉमन नाउन. आज हमने पढ़ा जेंडर. समझ नहीं आया हो तो मुझे ग्रुप में पूछिएगा या मेरे पर्सनल नंबर में पूछ सकते हैं. ओके, बाय.